हेलो फ्रेंड्स, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में सुपर साइंस क्वेश्चंस यानी कि विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं, लगातार पूछे गए, तो वैसे प्रश्नों के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, साथ साथ में जो है लाइक का बटन जरूर दबाइए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हिम जिसे रंजक भी बोलते हैं और ग्लोबिन, दोनों से मिलकर जो है ग्लोबिन शब्द हीमोग्लोबिन बना है और जिसका मतलब होता है कि लोहा, इसमें लोहा पाया जाता है, तो जो आंसर है वो लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक भार कहाँ पर होता है? अगर व्यक्ति कहीं खड़ा होता है या वस्तु कहीं होता है तो किस जगह जो होता है कि सबसे अधिक भार होगा? तो ये देखिए, ध्रुवों पर जो है सबसे अधिक भार होगा, जबकि सबसे कम भार कहाँ होगा? तो ये होगा विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति लिफ्ट में ऊपर की ओर, यहाँ खाली जगह भरना है, जाता है तो ठीक है, तो उसका भार अधिकतम क्या होगा? तो किस गति से जाता है? देखिए, त्वरण गति से जाता है तो उसका भार जो है अधिकतम होगा। तो दोनों बात रखना होगा याद कि जब कोई व्यक्ति लिफ्ट में ऊपर की ओर त्वरण गति से जाता है तो उसका भार जो है अधिकतम यानी कि बढ़ेगा। नेक्स्ट है कि वेग दुगना करने पर संवेग क्या हो जाता है? तो देखिए, संवेग जो है वो भी दुगना हो जाता है। नेक्स्ट है कि घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में कौन सी ऊर्जा जो है संचित रहती है? उत्तर है संचित ऊर्जा। सात नंबर में कि एरोप्लेन में कौन सी ऊर्जा रहती है? देखिए, इसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ऊर्जा जो है रहती है एरोप्लेन में। नेक्स्ट है कि वर्षा के रुकने के उपरांत रेनबो यानी कि इंद्रधनुष जो है सूर्य के किस दिशा में दिखाई देगा? उत्तर है विपरीत दिशा में। नेक्स्ट है, कैमरे का फिल्म भाग जो है मानव नेत्र के किस किस तरह काम करता है? देखिए, रेटिना की तरह काम करता है कैमरे का फिल्म भाग। नेक्स्ट है 10 नंबर में कि रक्त को जमाने में कौन सी प्रोटीन जो है सहायक होता है, जो कि प्रोटीन यकृत से निकलता है? देखिए, ये है प्रोटीन फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो कि यकृत से निकलता है और यह रक्त को जमाने में अहम रोल अदा करता है। नेक्स्ट है 11 नंबर में कि इंसुलिन जो है कि अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज में कहाँ से निकलता है? देखिए, ये बीटा सेल्स यानी बीटा कोशिका से निकलता है। नेक्स्ट है, पैर में ठेहुना के नीचे कौन सी दो हड्डी रहती है? देखिए, पैर में जो ठेहुना के नीचे जो होता है तो दो हड्डी है, एक फेबुला है, दूसरा जो है टीबिया है। तो फेबुला हड्डी जो है ये आगे वाली हड्डी होती है जबकि टीबिया हड्डी पीछे वाली हड्डी होती है। नेक्स्ट है कि स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, स्टार्च का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? उत्तर है ब्रैकेट में है CH2O कहल 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, दांतों को मजबूत बनाता है कौन? देखिए, दांतों को जो है फ्लोरीन मजबूत बनाता है। नेक्स्ट है, पारे का घनत्व लोहे के घनत्व से घनत्व डॉट है, इसलिए लोहे की गेंद जो है पारे में तैरती है, तो क्या होता है? तो ये पारे घनत्व जो है लोहे के घनत्व से अधिक है, ठीक है, तो इसीलिए जो है लोहे की गेंद पारे में तैरती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि तेल का घनत्व जो है पानी के घनत्व से कैसा है, कम है या अधिक है? इसीलिए जो है तेल में पानी तैरता रहता है, तो ये कम होता है, तेल का घनत्व जो है पानी घनत्व से कम होता है। नेक्स्ट है, घनत्व के कारण नाव जब नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा क्या होगा? वो तो ये ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, समुद्र में पानी की गहराई में जाने पर, और यहाँ दो जगह खाली स्थान है, तो एक जगह की गहराई में जाने पर जो है घनत्व और खारापन में जो है वृद्धि हो जाएगा यानी कि बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कि रडार का फुल फॉर्म क्या? देखिए, आर से रेडियो हो जाएगा, आर ए से रेडियो हो जाएगा,
डी से डिटेक्शन और ए से एंड और जबकि आर से रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रडार का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट जो है रक्त दाब को नियंत्रित करता है, रक्त दाब को कौन नियंत्रित करता है, देखिए सोडियम रक्त दाब को नियंत्रित करता है जबकि नमक यानी NaCl जो है रक्त दाब को बढ़ाता है, इसलिए नमक को अधिक खाने से रोका जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है मलेरिया रोग से क्या प्रभावित होता है, देखिए तिल्ली जिसे स्प्लीन या प्लीहा भी कहते हैं मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग है। नेक्स्ट है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, देखिए यकृत में होता है जिसे लीवर कहा जाता है। नेक्स्ट है मूत्र में यूरिया के मात्रा कितना होता है, देखिए 2% जो होता है मूत्र में यूरिया की मात्रा, सामान्य मात्रा है ये। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, देखिए तिल्ली जिसे प्लीहा कहते हैं या स्प्लीन भी कहा जाता है। रेनिन कहाँ से निकलता है, स्रावित होता है, ये अमाशय यानी कि पेट से, मतलब पेट में अमाशय होता है वहाँ से जो है स्रावित होता है। नेक्स्ट है कि किडनी की इकाई यानी कि यूनिट क्या है, देखिए ये है नेफ्रॉन किडनी की इकाई है। नेक्स्ट है मानव की उत्पत्ति किस युग में हुआ है, उत्तर है प्लायोसीन युग में। नेक्स्ट है मानव का विकास कहाँ हुआ है, देखिए मानव का विकास जो है मध्य एशिया में हुआ है। नेक्स्ट है कि 1 मिनट में मनुष्य कितना बार सांस लेता है, जब हम आप सांस लेते हैं तो कितने बार जो है ये प्रक्रिया हो करते हैं, यानी कि लेते हैं छोड़ते दोनों है, इस सांस लेने का मतलब यही होता है। तो देखिए ये 16-17 बार जो है 1 मिनट में हम लोग जो है सांस को लेते छोड़ते हैं। नेक्स्ट है 31 नंबर में कि बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है, देखिए ये सोडियम बाइकार्बोनेट है बेकिंग सोडा का, इसके जिसे जो है खाने में भी प्रयोग करते हैं खासकर पावरोटी और अन्य चीज़ बनाने में। आप देखिए बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, ये है CaO। नेक्स्ट है पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एक एंजाइम है। नेक्स्ट एंजाइम की रचना किससे बनी होती है, देखिए ये जो एंजाइम की रचना जो है अमीनो एसिड से बनी होती है। नेक्स्ट है फल और सब्जी में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, देखिए विटामिन डी जो है ये नहीं पाया जाता फल और सब्जी में, इसे जो सूर्य की रोशनी से ही प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक स्रोत ही है सूर्य की रोशनी से मुख्य प्राकृतिक स्रोत। नेक्स्ट है दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण दूध जो उजला होता है, तो ये कैसीन प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण दूध जो है उजला होता है। नेक्स्ट है कि मेंढक की हृदय में कितने भाग होते हैं, देखिए मेंढक के हृदय में जो 3 भाग होते हैं, मनुष्य के हृदय में जो है 4 भाग होते हैं, चलिए ठीक है तो दो तो खैर देखिए यहाँ पर मेंढक की बात करी जाती है, देखिए मनुष्य में जो 2 आलिंद 2 निलय होते हैं जिस तरह 4 हो जाएंगे उसके हिस्से अगर करना चाहेंगे तो। अब प्रश्न नंबर जो है 38 है कि कोशिका, देखिए दोस्तों मानव के हृदय के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से समझ सकते हैं कि देखिए मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों यानी चैम्बर्स का बना होता है, अगले भाग में एक दायां आलिंद और बायां आलिंद है ठीक है, और तथा हृदय के पिछले भाग में है एक दायां निलय और एक बायां निलय होता है। अब नेक्स्ट है कि कोशिका किसका बना होता है, देखिए कोशिका जो है DNA का बना होता है यानी सेल्स जो है DNA का बना होता है। नेक्स्ट है कि ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है, देखिए लोहा में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। अब नेक्स्ट जो है सूर्य में 4 हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, ये हीलियम बनाता है, सूर्य में 4 हाइड्रोजन जो मिलकर हीलियम बनाता है। नेक्स्ट है हालांकि सबसे अधिक हाइड्रोजन ही है सूर्य में। नेक्स्ट विटामिन की खोज किसने किया था, 1911 में किसने किया था, तो ये फंग ने विटामिन खोज किया है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक आयरन का आविष्कार किसने किया था, तो ये हेनरी सिले ने इलेक्ट्रिक आयरन का आविष्कार किया। नेक्स्ट है दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है, देखिए जल का क्वथनांक जो है बढ़ता है, इसी कारण जो है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी से बन जाता है। देखिए प्रेशर कुकर में 130 डिग्री सेल्सियस पर जो है क्वथनांक होता है 130 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है कि तांबा का शत्रु तत्व क्या है, ये गंधक है तांबा का शत्रु तत्व। नेक्स्ट है कि सूर्य उगते
और डूबते समय कौन सा प्रकीर्णन करता है, यानी कि ये लाल रंग सूर्य का जो है लाल रंग जो है प्रकीर्णन करता है। प्रश्न नंबर 46 है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर झुके हों तो उनके बीच एक गेंद के प्रतिबिंब की प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो ये है 5। ठीक है, नेक्स्ट है अवतल दर्पण पर सभी प्रतिबिंब फोकस पर कैसा बनता है, देखिए वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट है कि जब वस्तु वक्रता पर रहता है तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु के कैसा होगा, तो ये बराबर या समान होगा रहेगा। नेक्स्ट है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र के आगे रहेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये वक्रता और अनंत के बीच में, यानी कि वस्तु के पीछे और वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के पीछे और वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बनेगा, ये भी पॉइंट याद रखना होगा। नेक्स्ट है कि जब वस्तु जो है फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है ये बहुत बड़ा बनेगा। नेक्स्ट है कि जब वस्तु फोकस के आगे आगे और अक्ष के पहले रहे तो वस्तु कैसा रहेगा, तो ये वस्तु जो है आभासी और सीधा रहेगा, ये जो है एक अपवाद है। तो ये थे कुल 51 प्रश्न दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और कम से कम 3 लोगों को जरूर शेयर कीजिए, और सभी से आग्रह है कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्रिप्शन चैनल का। आप साथ साथ नोटिफिकेशन कीजिए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।